गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एजु हब केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, इन लास्ट वीडियो हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आपके पास जो रिएक्शंस होंगी वो यहाँ पर हम दो टाइप की पढ़ रहे हैं, एक जीरो ऑर्डर की, एक कौन सी पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में जो दी गई है यहाँ पर है, एक दी गई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, एक दी गई हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में नहीं पढ़ते बच्चों। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? जीरो ऑर्डर का मतलब ये हो गया आपके पास में कि ये जब रिएक्शन जब होगी तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी बच्चों। अब बात करते हैं, देखो सामने कि द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, कि आपके पास में यहाँ पर जो रिएक्शन की जो रेट होगी वो रिमेनिंग मतलब कि आर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। आर कोल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहला पॉइंट। दूसरा, इट मींस द रेट डिपेंड अपॉन द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर बोला है कि ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये जो कंसंट्रेशन जो आपके पास में होगी वो किसकी होगी आपके पास में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी बच्चों। अब हम बात करते हैं कि सर कैसे आप कैसे बोल सकते हो। अगर आपको टॉपिक 4 याद हो तो हमने बोला था कि रेट लॉ के बारे में, किसकी बात की थी हमने, रेट लॉ की बात की थी हमने। वहाँ पर बोला था रिलेशन बिटवीन द रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्रिक, उसी के जस्ट आगे पढ़ा था हमने कि सर जी रिलेशन इन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास में रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आपके पास, मान लो कोई एक रिएक्शन दी गई है आर से किसमें जा रही है, पी में कन्वर्ट हो रही है। आर से किसमें जा रही है, पी में जा रही है। अब एक बात कहो, यहाँ पर जो बोला गया है वो बोल रहा है कि रिएक्शन की जो रेट रहेगी वो रिमेनिंग क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। अब रेट जो है रिमेनिंग कॉन्स्टेंट क्यों हो रही है, क्योंकि हमने बोला था कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, R की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो R इक्वल हो जाएगा के R की पावर नोट, और हमें पता है अगर किसी की पावर जीरो होती है तो उसका मान क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर R इक्वल क्या आ जाएगी आपके पास में, K आ जाएगी। R इक्वल किसके आ जाएगी, के की आ जाएगी। तो यहाँ पर जो R जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि R यहाँ पर है, देखो रिएक्टेंट की जीरो पावर की क्या होता है, डायरेक्टली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम R को बोल सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल के। ठीक है, इसको बोल देंगे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, या डिफ्रैक्शनल इक्वेशन है फर्स्ट बोल देंगे इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, फर्स्ट हो जाएगी। बच्चों वापस समझते हैं, आपके पास में यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, आर सिक्स में कन्वर्ट हो रही है, पी में कन्वर्ट हो रही है, तो इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो रिएक्टेंट, ये जो आर दिया गया है इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो उसकी जीरो पावर पर डिपेंड करती है। अगर किसी की पावर जीरो होगी तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा हम क्या मान लेंगे, ओवरऑल यूनिट मान लेंगे, और यूनिट का मतलब कितना होता है, वन होता है। तो R इक्वल हो जाएगा K, R की पावर जीरो, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, K हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो R को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये हो जाएगी कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, टाइम हो जाएगा, और इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट बोल देंगे बच्चों। अगर मान लो यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना पड़े, क्या बनाना पड़ जाए, ग्राफ बनाना पड़ जाए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ जाए, ग्राफ। तो क्या बना सकते हो कि सर हम ग्राफ जो बनेगा हमारे पास में वो बनेगा, यहाँ पर आ जाएगी रिएक्शन की रेट, क्या आ जाएगा पास में, रिएक्शन की रेट आ जाएगी, और रिएक्शन की जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, कंसंट्रेशन, ठीक, कंसंट्रेशन को कितना ही बढ़ाओ रिएक्शन की रेट क्या रहेगी आपके पास में, कॉन्स्टेंट। R क्या हो जाएगा, एक चीज पर हम बोल सकते हैं R क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। देखो आप कंसंट्रेशन जो आपके पास में दी गई है बच्चों, कंसंट्रेशन जो दी गई है, इस कंसंट्रेशन को चीज कितना भी इंक्रीज कर लो, देखो इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पर,
लेकिन यहाँ पर रेट क्या है, फिक्स वैल्यू है, रेट इंक्रीज नहीं हो रही है। इट मीन्स कि जो रेट होगी वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की जीरो पावर पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हमारे पास में, इसी के आगे चलते हैं, अब जो इक्वेशन आपके पास में, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट दी गई है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या करेंगे, यहां पर बोथ साइड जो करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ये बेटा डेरिवेशन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर में के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर के डी टी, क्या लिखेंगे के डी टी। अब इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो इस माइनस के साइन को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, इस माइनस के साइन कहाँ लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, ये माइनस इधर आ गया मान लो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो ये हो जाएगा डी आर, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी आर नोट से आर टी, और ये क्या हो जाएगा माइनस के, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, तो टी बराबर में जीरो से टी बराबर क्या हो जाएगा पास में टी तक। तो बच्चों आपने अगर पढ़ा हो मैथ जैसे आप पढ़ते हो कि किसी का भी हम जो इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, एक्स आ जाएगी इसका इंटीग्रेशन। तो बस इसको लगा दो यहाँ पर, हमारे पास में क्या जाएगा आर, और आर की पावर क्या जाएगी आर नोट और आर टी, ये आ जाएगा माइनस के, और टी की पावर क्या जाएगी जीरो और टी आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा आर टी माइनस में आर नोट इक्वल हो जाएगा माइनस में के टी, किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये के टी के इक्वल हो जाएगा। और ये जो आपके पास में इक्वेशन आ रही है इस इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन है सेकंड इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। आपके पास में दो चीजें आज भी, सबसे पहले जो आया वो आया आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फर्स्ट, फिर हमारे पास में इक्वेशन कौन सी आ गई सेकंड, इक्वेशन सेकंड का हमने नाम क्या रखा इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और ये आई कैसे आपके पास में, इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन सेकंड आई है इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिएगा आपके पास में जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या दी गई है, आर टी माइनस आर नोट बराबर माइनस में केटी, ये दी गई बच्चों। अगर मान लो हम क्या करें इस आर टी को इधर रख लें और माइनस के टी प्लस आर नोट इधर लेके आ जाते हैं, अब यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन फॉलो करानी है तो क्या होगा, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा पास में सी। तो यहाँ पर ग्राफ बना दो, y पर कौन आ जाएगा पास में आर टी, इनिशियल कंसेंट्रेशन पर बोले टी टाइम पर कंसेंट्रेशन, और आपके पास में जो x एक्सिस आएगा उस पर क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो आपके पास में जो स्लोप है वो स्लोप किस में दी गई, देखो m का मतलब क्या आ जाएगा स्लोप, और स्लोप किस में दी गई आपको नेगेटिव में दी गई है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ये जो आपके पास में स्लोप हो जाएगी ये हो जाएगी माइनस का k, और ये आपके पास में हो जाएगा इंटरसेप्ट हो जाएगा सी का, ये आपके पास में यहाँ से क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट, और ये हो जाएगा आपके पास में आर नो इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाएगी। बच्चों वापस से देखते हैं इसका जो ग्राफ बन रहा है आपके पास में, देखो वाई एक्सिस पे आ जाएगा टी टाइम पर कंसेंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, और स्लोप क्या आ रही है आपके पास में नेगेटिव में, तो स्लोप क्या हो जाएगी माइनस की के, और इसको बोल देंगे इंटरसेप्ट बोल देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अगर इसी रिएक्शन को आप चेंज करें, इसी इक्वेशन को आप चेंज करें, अगर इस माइनस के साइन को हम चेंज कर दें, माइनस को हम क्या कर दें प्लस, तो आर नोट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आर टी को, तो इधर देखते हैं इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि आर नोट माइनस में आर टी, तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा के टी, आर नोट इक्वल हो जाएगा के टी प्लस में
आर डी, तो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा प्लस का सी। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पर तो आएगा आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है, और एक्स एक्सिस तो आपके पास में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर टाइम आ जाएगा टी, और ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा, पॉजिटिव स्लोप होगी और ये स्लोप आपके पास में क्या होगी, ये हो जाएगी के। अब देखो स्लोप पॉजिटिव में आ गया और ये हो जाएगा आपस में इंटरसेप्ट, इसको बोल देंगे आर टी। तो बच्चों आप कोई सी भी इक्वेशन, कोई सा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, कोई सा जो आपको बेटर लगे, एक याद कर लो आर टी माइनस में आर नोट वाला याद कर लो, या फिर आर नोट माइनस में आर टी वाला याद कर लो। अगर आप करोगे आर टी माइनस में आर नोट तो आपके पास में आएगा के माइनस के टी, और अगर आप याद कर रहे हो आर नोट माइनस में आर टी तो खुला जाएगा के टी। तो ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी आपके पास में, सेकेंड हो जाएगी, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।